अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इम्तियाज़ अली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तवसल से आपके पेशेंट खदमत हाज़िर हूँ। बेहतरीन और फ़ायदेमंद बीज की अकसाम ग्रीन फ्यूचर केमिकल की तरफ से बेहतरीन फ़ायदेमंद चावल का बीज मोनिका 111 जो आपके लिए इस वीडियो की तवसल से लेकर आया हूँ, जो बहुत अच्छी पैदावार के साथ अच्छा मुनाफा मतलब अच्छी मकदार का चावल 120 से 150 मन तक पैदावार देता है। वो ग्रीन फ्यूचर केमिकल एज ग्रुप ऑफ इनोवेशन की तरफ से हाइब्रिड बीज मोनिका 111 मुतारफ कराया गया है। सबसे पहले आपको इस बीज की खासियत क्या है, आप ये बीज क्यों इस्तेमाल करें, चंद नुमाया खसूसियात जैसे ये पूरे पाकिस्तान में काश्त के लिए मौजू है बीज और ये 90% तक ज़्यादा पैदावारी झाड़ लंबे मोटे और मज़बूत मंजरें दानों का कम दरमियानी फासला कम्पैक्ट गंजरे मंजर सबसे ज़्यादा पैदावारी सलाहत पत्ते का साइज़ सबसे ज़्यादा LAI मोटा मज़बूत तना फी मंजर दानों की तादाद ज़्यादा और ज़्यादा बार आवर नालियाँ 16 से 22 वजनी और नस्बतन लंबे दाने बीमारियों के खिलाफ़ नस्बतन ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़त और राइस मिलर्स और एक्सपोर्टर्स की पहली तरजीह है मोनिका 111 चावल। ये सबसे खसूसियात हैं इस बीज की। अब आपको ये बीज किस अवामल के तहत और किस वक्त पर काश्त कर सकते हैं, जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तल वक्त में काश्त किया जाता है। जैसे शुमाली पंजाब में ये बीज 15 अप्रैल से 15 जून तक काश्त करने के लिए मौजू है और जुनूब पंजाब में 1 मई से 20 जून तक मौजू है। इस तरह लोअर सिंध में 1 मई से 30 जून, इसके साथ साथ अपर सिंध बलूचिस्तान में 10 जून से 15 जुलाई तक काश्त कर सकते हैं और ये वक्त मौजू है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ऐसे ही काश्त करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों वक्त काश्त और मौसम की तब्दीली बहुत अहमियत रखती है हाइब्रिड बीज की काश्त के लिए मोनिका 111 हाइब्रिड बीज। इसका शरह बीज फी मरला हेक्टर एकड़ 5 किलो से 8 किलो तक बीज इस्तेमाल करना चाहिए। बीज का अगाव के लिए मौजू है 24 घंटे बीज को पानी में भिगोएं और 36 से 48 घंटे तक सायादार जगह पर रखकर खुश्क करने के दौरान 3 से 4 मरतबा हिलाएं और बाद में इसे बीज को बनाई हुई दर्जा बंदियों में काश्त कर देना चाहिए। जब बीज की पनीरी 20 से 25 दिन की उम्र की हो जाए वो पनीरी मुंतकली के लिए सबसे मौजू है और ये निगरानी करें कि 30 दिन से ज़्यादा की पनीरी हरगिज काश्त ना करें। दोस्तों मोनिका 111 की तादाद पूरे फी एकड़ में 80,000 सुराखों में फी सुराख में 2 पौधे लगाएं और फी एकड़ 1,60,000 पौधे लाजमी हैं और पौधे से पौधे की कतार का फासला 9 इंच होना चाहिए। दोस्तों अब आते हैं खादें किस वक्त पर इस्तेमाल करें। मोनिका 111 हाइब्रिड चावल में जब पनीरी मुंतकिल हो गई उसके 12 से 15 दिन के अंदर हॉमिट 4 लीटर मल्टी न्यूट्रिशन 4 किलोग्राम या जिंक 3 लीटर प्लस किंग 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से ग्रीन फ्यूचर केमिकल की इस्तेमाल करें। जब चावल की फसल 25 से 30 दिन की हो जाए उसमें किंग 1 बोरी फी एकड़ इस्तेमाल करें। 40 दिन की फसल हो जाए तो उसमें 1 बोरी किंग प्लस मल्टी मैक्स 8 किलो फी एकड़ इस्तेमाल करें और जब फसल गोवे पर आ जाए उस वक्त बोरान 500 मिलीलीटर स्प्रे सुपर 8 किलो पोटाश 3 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें और ये बात अपनी निगरानी से रखें कि मोनिका 111 के तमाम खादें पनीरी से लेकर जो खादों का इस्तेमाल है वो 35 से 40 दिन के अंदर मुकम्मल कर लेना चाहिए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, फिर मैं होगा हाजिर आपके पेश खिदमत। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू है उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके साथ साथ हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।